नमस्ते। ये वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा एक छोटा सा डिवाइस, लेकिन बहुत कारगर डिवाइस, जिसका नाम है लिलीपुट। आप लोग दिख रहे हो कि इसका नाम है लिलीपुट और ये एक स्मार्ट 4K कैमरा असिस्ट डिवाइस है। ये है लिलीपुट। लिलीपुट मैं इसका अनबॉक्सिंग अभी करूंगा आपके सामने। इसके ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है लिलीपुट। जो लिखा है लिलीपुट, जो रजिस्टर्ड इनका लोगो है, A7S 4K कैमरा असिस्ट, बस इतना ही लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर कैसे इंपोर्ट हुआ, इसका इंपोर्ट हिस्ट्री लिखा हुआ है, कब इंपोर्ट हुआ, ये सब लिखा हुआ है। MRP इसका MRP करीब 13,000 रुपया आता है भारत में, 12,990 रुपया आता है भारत में, यानी करीब 13,000 रुपया आता है। साथ साथ यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, जो भारत का नंबर है 020, और ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने। ये एक HDMI स्मार्ट डिवाइस है, ये एक HDMI स्मार्ट डिवाइस है। ये है लिलीपुट, ये है लिलीपुट। क्या है, पहले मैं देखूंगा बॉक्स के अंदर क्या है। चलिए मैं पहले एक एक करके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये रैपिंग किया हुआ है तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि इसके अंदर है क्या। ये है लिलीपुट, ये है लिलीपुट। ये है 7 इंच TFT स्क्रीन। ये गलती मत कीजिएगा, ये टच स्क्रीन नहीं है जी, ये TFT स्क्रीन है जी, ये बिल्कुल टच स्क्रीन नहीं है, गलती मत कीजिएगा। 4K कैमरा असिस्ट, ये लिलीपुट है। और देखिए ये एक आपका इसका फ्लैप है कि जब आप आउटडोर में शूट करोगे, चाहे इंडोर में, जब इंडोर में भी शूट जब होता है, आप लोग जानते होंगे काफी लाइट्स में होता है वो, तो आप अगर सेल्फ डायरेक्शन में फिल्म बनाते हो, या आप खुद को शूट करते हो, या आप एक फिल्म मेकर हो, आप एक डायरेक्टर हो, तो आप यहाँ पर लाइट से बचने के लिए कि आपका सब्जेक्ट साफ दिखाई दे क्या शूट हो रहा है, ये गार्ड लगा हुआ है। और ये जो गार्ड है ये प्लास्टिक का नहीं है जी, ये प्लास्टिक का नहीं है, ये रबर टाइप है, ये रबर टाइप है, ये सिलिकॉन का है जी, एक्चुअल ये सिलिकॉन का है। और यहाँ पर देखिए ये है पावर इन, ये है पावर इन, ये है पावर इन, ये है HDMI इन एंड HDMI आउट, साफ दिखाई दे रहा है HDMI इन एंड HDMI आउट। और ये है हेडफोन, ये है हेडफोन, आप लोग साफ दिख रहे हो जी, ये है हेडफोन। देखिए ये है पावर, ये है पावर, इंटरनेशनल पावर साइन है, F1, F2 एंड एग्जिट एडजस्ट करने के लिए मेनू एडजस्टर है, मेनू एडजस्टर रोलर यहाँ पर है, मेनू एडजस्टर रोलर यहाँ पर है। और देखिए कि यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो बैटरी से। ये बैटरी रिलीज बटन है, ये बैटरी रिलीज बटन है, आप लोग दिख रहे हो, ये है यहाँ पर। चलिए मैं दिखता हूँ कि अंदर और क्या है। ये है बॉक्स, बॉक्स में और क्या है लिलीपुट में, ये है यूजर गाइड HDMI 4K असिस्ट स्क्रीन। बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये TFT है, ये टच स्क्रीन नहीं है, ये यूजर गाइड है, जो मेरा वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। और ये है केबल, ये है केबल, ये केबल है HDMI टू HDMI मेल केबल है। मानो कि आप एक कैमरा से HDMI का आउटपुट लेके आप इसमें इनपुट में दे सकते हो, आप वीडियो मिक्सर से आप आउटपुट लेकर आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हो, आसानी से आप ये काम कर सकते हो। वीडियो मिक्सर से भी आप लेके यहाँ पर आप इन करके दिख सकते हो। HDMI मेल टू मेल केबल, आपका कैमरा HDMI
आउटपुट से यहाँ पर आप इनपुट में देकर आप वीडियो देख सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, आपका जो वीडियो मिक्सर है आप वीडियो मिक्सर से भी HDMI से आप यहाँ पर इनपुट देकर आप काम कर सकते हो। आप ये है आपका बैटरी, ये है आपका बैटरी एडाप्टर, बैटरी एडाप्टर है ये लिलीपुट का बैटरी एडाप्टर है। और ये देखिए साफ लिखा हुआ है मॉडल F970। हम लोग जो ऑडियो वीडियो में काम करते हैं हम लोग जानते हैं कि F970 सोनी का एक मशहूर एक बैटरी मॉडल है। मैं अभी आप लोगों को सामने दिखा रहा हूं F970 बैटरी, आप लोग देख सकते हो ये है सोनी F970। आप देखिए यहां पर साफ बोला गया कि मॉडल F970, जूम में आप लोग देख सकते हो F970, यानी इसी बैटरी का बारे में यहां पर बोला गया है। और देखिए कि क्लिप भी मैच करता है, देखिए कि फीमेल के साथ मेल भी मैच करता है, देखिए आप लोग ऐसे ये मैच कर गया, देखिए आसानी से। ठीक है, मैं इसे इंस्टॉल करूंगा लेकिन पहले मैं दिख लेता हूं। ये है डे लाइट सन प्रोटेक्शन, ये मेरे ख्याल से ये इंडोर में नहीं चाहिए, जब आप आउटडोर में काम करोगे तभी इसका इस्तेमाल चाहिए, ये आउटडोर के लिए होगा, इंडोर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं चाहिए। इंडोर के लिए ये जो दिया हुआ है ये बहुत है, ये आउटडोर के लिए आपका इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तब इसे आपको खोल के ये ब्लैक वाला लगाना चाहिए, ये आउटडोर के लिए। और इसमें आपका ऐसा कैचर लगा हुआ है जो इसमें चिपक के रहेगा, एक फैब्रिक है, ये एक फैब्रिक है ब्लैक कलर की है लाइट के लिए। और इसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही है यहाँ पर और एक सब प्रोडक्ट है, ये है क्या, चलिए मैं अनबॉक्सिंग करके दिखता हूँ। ये टिल्ट है, टिल्ट और कुछ नहीं बस, और एक की है, स्क्रू है, ये की है, ये स्क्रू है और ये टिल्ट है। अगर आपको इसे शूटिंग के काम में जब आप इसे यूज करोगे तो ये टिल्ट है, ये जो इसमें फिट हो जाएगा आसानी से, देखिए जी देखिए ये आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा, यही है इसमें और कुछ नहीं है। अगर आप इसे हैंग करना चाहते हो तो ऊपर देखिए ये 4K और लिलीपुट अलग हो, मतलब उल्टा सा हो गया, अगर आप इसे हैंग करोगे तो ऊपर, अगर आप इसे हैंग करोगे तो ऊपर, अगर आप इसे हैंग नहीं करोगे आप इसे स्टैंड करोगे तो आपको नीचे की ओर इसे फिट करना, ये एडजस्टेबल है, देखिए कि ये एडजस्टेबल है, यही है और कुछ नहीं। चलिए आप इसे जो क्रेन में जो कैमरा यूज होता है आप उसका आउटपुट के लिए आप इसे आपका आंखों के सामने यूज कर सकते हो, जो डायरेक्शन का काम करते हो, आपका जो मूवी बन रहा है चाहे वो शादी का मूवी बने, चाहे वो शॉर्ट फिल्म बने, चाहे वो कोई धार्मिक फिल्म बने, चाहे वो आपका कोई गेम, कोई फुटबॉल या क्रिकेट मैच बने, उसका फाइनल आउटपुट आप दिख सकते हो, आप आउटडोर में भी दिख सकते हो। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये काम नहीं करेगा, आप जो छोटा मॉनिटर में काम करना चाहते हो आप इसे आपका जो खास करके मैं वो प्रोडक्ट का बात करूंगा मैक मिनी या जो आजकल जो पीसी आता है, तो देखिए कि पीसी का कुछ पीसी होता है जिसमें सिर्फ सीपीयू होता है जैसा मैक मिनी, तो उसका उसके साथ कुछ कोई मॉनिटर नहीं होता है। जो लोग ट्रैवल करते हो, आज दिल्ली कल चेन्नई परसों बेंगलोर ऐसे ट्रैवल करते हो, जो लोग असम गुवाहाटी जो लोग ट्रैवल करते हो, काफ़ी ट्रैवल करते हो, वो लोग स्मार्ट कंप्यूटिंग चाहते हो। और मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा मैक मिनी के साथ, ये आसानी से ये काम करेगा। मैक मिनी से आप क्या करोगे, आउटपुट लोगे और इसका इनपुट में दोगे, ये आपका मॉनिटर बन गया
और इसके साथ ओ वाला स्मार्ट कीबोर्ड जो है वर्चुअल कीबोर्ड, आप आसानी से कंप्यूटिंग कर सकते हो और ये एक स्मार्ट कंप्यूटिंग होगा। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं इसे आपके सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब मैं दिखाता हूं कि इसे कैसे सेट करना है। देखिए इसे ऐसे सेट करना है, देख लिया आप लोग, यही साथ में क्या हुआ कि ये काम करना शुरू कर दिया। आप लोग दिख सकते हो कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, नो सिग्नल, क्योंकि मैं HDMI में अभी तक कोई सिग्नल मैं नहीं डाला, इसलिए यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है। आप लोग दिख सकते हो कि ये काम कर रहा है, और ये नो सिग्नल इसलिए ये आ रहा है क्योंकि मैं अभी तक कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं डाला। आप लोग देखिए कि कितना कारगर एक प्रोडक्ट है, बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर है। आप लोग जानते हो कि छोटा प्रोडक्ट बहुत कारगर होता है, और ये ऐसा ये प्रोडक्ट है। आप ये आपका मॉनिटर के हिसाब से आप काम कर सकते हो, आप इसका क्रेन कैमरा की मॉनिटर के हिसाब से काम कर सकते हो, आप इसका आउटडोर कैमरा की मॉनिटर हिसाब से काम कर सकते हो, और आप मल्टी कैमरा का जो आउटपुट आ रहा है वीडियो मिक्सर से, आप वहां से भी इसका फाइनल आउटपुट देख सकते हो। जो लोग स्मार्ट कंप्यूटिंग पसंद करते हो, मानो के आपका मैक मिनी के साथ या ऐसा कोई डेक्स मिनी जो विंडोज बेस होता है या मैक बेस होता है मैक मिनी, उसके साथ आपका डेक्स में ऐसा एक खूबसूरत मॉनिटर रहे और आप इसमें आसानी से काम कर सकते हो। मानो इसके साथ अगर वर्चुअल कीबोर्ड अगर आपका मिल जाए, आप सोचो कि ये मॉनिटर और ये वर्चुअल कीबोर्ड आपका बन जाए आपका ऑफिस में, तो मानो के पूरा मतलब, देखिए जी देखिए, ये है वर्चुअल कीबोर्ड, ये है वर्चुअल कीबोर्ड। मैं फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये है मॉनिटर और ये है आपका वर्चुअल कीबोर्ड। तो आपका कंप्यूटिंग का जो वर्ल्ड था, इतने दिन आपने जो कंप्यूटिंग का वर्ल्ड जो आप 1980 या 85 या 90 से आपने जो शुरू किए थे, देखिए आपका पूरा कंप्यूटिंग अब बदल चुका है। देखिए आप कैसे काम करोगे, ये है आज का कंप्यूटिंग, ये है टुडे कंप्यूटिंग, ये है मॉडर्न कंप्यूटिंग। जो आज आपको इसके बारे में सोचना है, शायद कुछ दिनों में अपनाना भी है। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है और ये कितना कारगर है। नहीं रहेगा आपका डेस्क में इतना भारी भरकम कीबोर्ड जो डस्ट पैदा करता है, और ये कारगर है, और ये देखिए इनएक्टिव हो गया। कुछ देर अगर आप काम नहीं करोगे तो ये जगह में आप राइटिंग कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, क्योंकि एक कीबोर्ड इनएक्टिव हो जाता है। फिर जब आपको काम करना है फिर आप इसे एक्टिव करो, फिर काम करो, क्योंकि हम 8 घंटा टाइपिंग नहीं करते हैं, हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं, मतलब हम लोग टाइपिंग उतने समय सिर्फ टाइपिंग नहीं करते, हम लोग फाइल चेकिंग करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, क्योंकि टाइपिंग हम बहुत कम समय करते हैं। हमारे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ये सारी डिवाइस का कैसे यूज किया जाता है उससे मैं दिखाऊंगा, और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ फिर मिलूंगा। साथ में हमारे चैनल में आप लोगों को मिलेगा माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।